अव्वल गुलुकार में इस्तकबाल करती हूँ और साथ ही अपने गुलुकारों का भी इस्तकबाल करती हूँ और मेरे प्यारे से जजेस के लिए प्यारा सा आदाब। आदाब, आदाब, आदाब। तो इजाजत चाहूंगी कि क्या हम अपने नगमों की महफिल को आगे बढ़ा सकते हैं? जी बाकायदा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये नौवां एपिसोड है जी। अब इनकी ज़हनियत को अगर परखा जाए, जो हमारे गुलुकार हैं उनकी ज़हनियत को अगर परखा जाए तो आप ये देखेंगी, पता नहीं गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो इमोशंस इस वक्त हैं वो कहीं ना कहीं कंपटीशन का जो लेवल है वो बड़ा कमाल का होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अगर उनकी डेडिकेशन देखें और वो अपने काम के ऊपर किस कदर तवज्जो दे रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो देखने के काबिल है जी। क्योंकि हर एक आदमी इतना इन्वॉल्व है, 9 एपिसोड 9 10 11 12 13 वो उरूज नुक्ताए उरूज की तरफ पहुंच रहे हैं और उनकी प्लानिंग, उनका होमवर्क बड़ा कमाल का हो रहा है जी। क्या बात है, सही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही फरमाया। ये हमारी 9 एपिसोड है, हम अपना पहला राउंड शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या इजाजत है? जी शुरू करें, आगाज कीजिए। शुक्रिया, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला दौर। तो मैं बुलाना चाहूंगी अपने पहले गुलुकार को और वो है अरुण जी। आप बताइए पहला गुलुकार आज कौन आएगा? अरे आज तो आपने सारे रूल्स ही चेंज कर दिए, तो इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बुलाएं आप। मेरे ख्याल से मेरी आंख के ठीक सामने शेख शबाना है। शबाना जी आइए। क्या गाएंगी आप? सबसे पहले आप दोनों को मेरा आदाब। आदाब हुजूर। सर मैं फिल्म गाइड से नगमा पिया तो से नैना लागे रे पेश करने जा रही हूं। अरे वाह, ठीक है, तो इजाजत है जजेस, आगाज किया जाए। बिस्मिल्लाह कीजिए। चांद
चमके जल उठे तन मेरा। मैं कहूँ मत कर ओ चंदा इस गली का फेरा, आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन पिया तो से, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे पिया, ओह पिया हो पिया, ओह पिया हो पिया तो से नैना लागे रे। जाने क्या हो अब आगे रे, कमाल कर दिया आपने शबाना। आइए जजेस से पूछते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है बर्मन साहब की, और लता जी का गाया हुआ ये गाना जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, तो जहन में बिल्कुल बैठा हुआ है। तो यही है कि थोड़ी सी देखिए, गाना आपने जो भी गाया है वो अच्छा है, लेकिन वो मैं नहीं समझता हूँ कि आप वहाँ तक पहुँच पाई हैं जहाँ ये 9th एपिसोड चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, बाकी आपने अच्छा गाया। जो स्वर हैं कुछ उखड़े हुए थे, अल्फाज थोड़े इधर से उधर जा रहे थे, और उठान चढ़ान जो है, अवरो आरो जो है, वो कहीं ना कहीं उसमें एफर्ट इतनी लग रही थी, एफर्ट इतनी लगे और एफर्टलेस हो जाए उसमें मज़ा कुछ और है, लेकिन एफर्ट दिखे उसमें कुछ खास मज़ा नहीं। सो मेरे ख्याल से आज हमारी शबाना वो नहीं है, एंड एवरी डे इज नॉट अ संडे। कोशिश की है सर मैंने। जी आपने कोशिश की है, और आप फाइटर हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हुआ है गड़बड़, आप भी जानती हैं, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट। नंबरों की बारी है, हमें नंबर की बहुत जरूरत है। ये आपके हिस्से के नंबर कोहिनूर। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जजेस, शुक्रिया शुभाना। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने अगले गुलुकार को, जो कि है मुनव्वर अली। आज आप जजेस के लिए कौन सा नगमा पेश करेंगे? आज सर हंसते जख्म मूवी का एक गाना है रफी साहब का, तुम जो मिल गए हो, वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। तो बिस्मिल्ला कीजिए। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया। भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां mm-hmm.
किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा ना हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि जमीन से कभी आसमान मनोवर, वेरी नाइस। थोड़ा सा टेम्पो रिदम इधर उधर हो जाता है कहीं कहीं, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये वाकई बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही बेहतरीन कॉम्पोजिशन है मदन साहब की, और आपने अच्छी कोशिश की। जजेस मुनवर के लिए नंबर्स, तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मुनवर। है हमारी अगली गुलुकारा की, जो है ख्याति देशमुख। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप क्या गाएंगी? हंगामा हो गया। ओके, तो शुरू करें। कौन सी बात है इसमें, सब किसको अपनाते हैं। देखो ना, तमाशा करते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर मैंने हिचकी जो मारी तो
कैसा लगा? हाथों पे तो तकदीर लिखी होती है, आपके हाथों पे क्या लिखा हुआ? सर एक्चुअली मैं गाना ना भूल जाऊं तो थोड़ा मैंने लिख के रखा था, बट मैंने देखा नहीं। हाथ दिखाई। ठीक है सर, मैंने देखा नहीं है। देखा नहीं है, मैं जब कर रही थी परफॉर्म तो उस समय देखा नहीं है मैंने। ओके सर, आप कुछ कह? हाँ चलिए ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था आपका, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। आप जब इतना कॉन्फिडेंस से गा रही थी तो आपको ये हाथ पे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हाथ पे लिखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि भाई कहीं भूल गई तो क्या होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आपका गाना, बीच में डायलॉग, हाँ डायलॉग सब कुछ तो करेक्ट था, सिंक में था। जजेस नंबर कोहिनूर के लिए। शुक्रिया शुक्रिया ख्याति। मैं लेती हूं एक छोटा सा वक्फा, आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। इस्तकबाल करती हूँ। अब मैं अब बुलाना चाहूंगी अपने अगले गुलुकार को, जिनकी मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो है तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाना क्या गा रहे हैं आप? तुझसे नाराज जिंदगी। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जिंदगी हैरान हो मैं,
लास्ट में जो एक एक्स्ट्रा हरकत लगा दी सर, जो आपके गले में बैठी हुई है, तो वो इस गाने के लिए नहीं है, गलती वो प्रॉब्लम हो जाती है इस। आप बहुत अच्छा चल रहे थे, बहुत अच्छा जा रहे थे आप, ये एक एक्स्ट्रा हरकत जो है ना, ये इस गाने की जो ताकत है उसको ख़त्म करती है। एनीवे तनवीर अच्छा गाया, समा बांधा आपने और कोशिश अच्छी करी आपने। इतने अच्छे दिल वाले आप हैं, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, उसमें सादगी है, तो मेहरबानी करके जो गाने की सादगी है उसको मेंटेन रखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जाएंगे जजेस तनवीर के लिए नंबर, नंबरों का टाइम है। बिल्कुल सर, इस वादे के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जजेस, शुक्रिया तनवीर। अब बारी है हमारी अगली गुलुकारा की, जो कि है अर्पिता करमकर। अर्पिता, आज आप जजेस को कौन सा नगमा सुनाएंगी? भैया ना धरो। बिस्मिल्लाह कीजिए। वेरी गुड, शुक्रिया सर। आपने बहुत अच्छा गाना सिलेक्ट किया और ये आपके मिजाज का गाना था और बहुत ही अच्छा गाया आपने। सिर्फ जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये है कि आप लोगों को जो शब्द हैं इसके बहुत ही मुश्किल है। अब चूड़ियाँ वर्ड है, चूड़िया। तो आप चूड़िया बोल रही हैं, चूड़िया, तो चूड़िया और चूड़िया में बहुत फर्क है ना, नेजल जाता है। सब कुछ अच्छा है, सुर अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, लेकिन अगर आपके जो ये तलफ़ुस अगर गड़बड़ होंगे तो ख़त्म। पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम कि एक भी तलफ़ुस गलत ना, एक भी तलफ़ुस गलत ना हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलिए, वेरी गुड। वही बात है कि अगर किसी भी कलाकार के सिस्टम के अंदर, माइंडसेट के अंदर पे उर्दू चली जाए तो वो तो कलाकार ही बदल जाएगा, उसके सातों रंग आ जाएंगे। बस इतना ही कहना, बाकी गायकी बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूरी कोशिश करूंगी। अव्वल गुलुकार में आने का यही फायदा है कि आपने अब तलफ़ुस बोलना शुरू किया है, उसको बहुत अच्छे से बोलिएगा। अब नंबर भी ले लेते हैं अर्पिता। आपके लिए अर्पिता, गाना बहुत डिफिकल्ट था, ये तो मानने की बात है। ऑल द बेस्ट।
शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया जजेस, शुक्रिया अर्पिता। अब वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, तो लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। आपसे इल्तिजा है कि आप भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये गुलुकार, ये म्यूजिशियन सबके दिल की आवाज है कि आप कहीं मत जाइएगा। हाय हाय। और आप भी कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद मैं मुस्कान आप सभी का अव्वल गुलुकार में इस्तकबाल करती हूँ। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने अगले गुलुकार को, जिनका नाम है नासिम अली। दिल में जोश है? जी हाँ। होश भी है? जी वो भी है। मौसम भी है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ लेकर आया हूँ। वाह वाह, जमा दो फिर, गाना क्या गाओगे? दिल को तुमसे प्यार हुआ। वाह वाह, हमको भी तुमसे प्यार हुआ। शुक्रिया। तो जजेस शुरू करें। इरशाद। बिस्मिल्लाह की। I'll be.
शुक्रिया जी। आइए तशरीफ रखिए। आप एक काम कीजिए, बातें बाद में करते हैं, आप जरा इधर तो आइए, सर कुछ यहाँ पे आके कुछ हेलो हेलो करते हैं। माशाल्लाह क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बहुत मज़ा आ गया। और नाजिम ये बहुत कमाल की सिंगिंग, कमाल की सिंगिंग कर दी भाई, बड़ा दिल खुश कर दिया आपने जो है वो हमारा। और आई एम श्योर जो है वो हमारे अरुण जी भी बिल्कुल इस बात से सहमत होने चाहिए। ओह यस, ये है आज की सिंगिंग, ये 2013 में जहाँ हम चल रहे हैं माशाल्लाह, ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये आज का अंदाज है। और उसमें सारी बातें हैं, हर तरह की खुशबू है, एक मीठी आवाज़, एक अच्छा परफॉर्मेंस, और गाते गाते इतना परफॉर्मेंस कर लेना और फिर गाने पे कोई उसका असर ना हो, ये अपने आप में फिर बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा रिस्क था भाई कि गा भी रहे हैं और साथ में शिवा ने उसका साथ भी दिया और कुछ नोट भी नहीं गया नहीं, और वो यहाँ से दिख बहुत अच्छा रहा था, वो यहाँ से बड़ा अच्छा, मतलब उसका एक मंजर जो था वो बड़ा ही खुशनुमा, बहुत अच्छा लग रहा था भाई। हमारे डायरेक्टर साहब ने भी तो पूरा एकदम से उसका जलवा अफरोजा कर दिया, लेना चाहिए भाई, कोई शक नहीं है उसमें। और तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, देख के लगता नहीं है कि ये नुसरत अली फतेह अली गा के हटे हैं। हाँ भाई, ये दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन इनकी जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि इनका जो अंदाज है वो उसमें बहुत बात है भाई। बहुत शुक्रिया। पता ही नहीं लगता है श्रवण जी कि ये गाइडेड मिसाइल है या अनगाइडेड मिसाइल है। पहले ही एपिसोड में मैंने कह दिया था कि कुछ गले में कुछ पता नहीं कोई मशीन लगा क्या है। लेकिन बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा है, वंडरफुल इट वाज, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और शिवा आपने इनका साथ दिया बहुत सही, दैट वाज वंडरफुल। तो नंबर्स ले ले, वो तो मेरा तबर्रुक है, मेरी शीरनी है तो वो तो कहीं जानी नहीं चाहिए। ये आपकी शीरनी, ये आपका तबर्रुक और कोहिनूर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाजिम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी अपनी अगली गुलुकारा को, जिनका नाम है शीबा सिद्दीकी। आदाब जनाब। आदाब। आदाब आदाब भाई, क्या बात है, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया सर। अभी अभी आप डांस करके हटी हैं। जी। That was a sporting thing. Very nice. Very nice. Thank you. शुक्रिया। जजेस को कौन सा नगमा सुनाएंगी? तेरे बिना जिया जाए ना। जी। घर मूवी से। ओह वाह वाह, क्या बात है। What a composition. बहुत अच्छा गाना है। जजेस इजाजत है? आगाज कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। Thank you.
बहुत अच्छे शिवा, क्या बात है भाई, हाँ समा बांध दिया आपने। शुक्रिया सर। बहुत अच्छा गाना सिलेक्ट किया आपने, बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या है कि जैसे इसकी कुछ खटके मुर्कियाँ बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यू नो, उसको थोड़ा सा और मतलब बहुत अच्छे से पेश होना चाहिए था। जी, जी। कहीं कहीं वो खटके मुर्कियाँ मिस हो गई हैं, लेकिन आपकी वॉइस क्वालिटी, आपका टेक्सचर और आपके अंदर जो एक गाना नगमा जो है गुनगुनाने का जो एक जज्बा है कि नहीं मुझे करना ही है बस, हाँ मुझे, और आपकी आवाज़ का जो टेक्सचर है वो, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि एक अलग डिफरेंट टेक्सचर है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा टेक्सचर है। और अगर कभी आपको मौका मिले और अगर आप किसी फिल्म में गाएं तो मुझे यकीन है कि डेफिनेटली वो संगीतकार जो भी आपको गवाएं वो आपकी इस टेक्सचर से अट्रैक्ट होकर के गवाएगा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम ये चाहते हैं कि आप सर आइए, तो आइए, तो आइए आइए। शुक्रिया। कॉन्फिडेंस लेवल 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 85, 85 से 87, गुड गुड, क्या बात। अभी ये जो इनाम मिला है आपको, ये इनाम आपको गाने के लिए नहीं मिला है, ये इनाम मिला है आपको नाज़िम अली के साथ साथ देने का। वो जो जेस्चर था कि आपने उनके साथ उठ करके जो आपने इतना खूबसूरत उनको साथ दिया, ये खास उसके लिए है कि कभी यू नो किसी को भी ऐसा लगे कि भाई यू नो यहाँ पर हमें किसी की मदद की जरूरत है, तो हर बंदा जो है, हर बंदी तैयार रहे। तो शिबा अपने नंबर्स जल्दी से ले लेते हैं। जजेस नंबर्स। और ये एक कोहिनूर के लिए। शुक्रिया शुक्रिया जजेस, शुक्रिया शिबा, शुक्रिया। एक बार फिर वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, तो हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, आप कहीं मत जाइएगा। आप वक्फा लीजिए, कोई एतराज नहीं, लेकिन जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, और हम चाहते हैं कि आप भी यहीं रहिएगा। क्या बात है। तो जल्द लौटेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखिए मैं तो यही थी और मैंने आपको भी यही पाया। अब बारी है हमारे अगले गुलुकार की, जिनका नाम है मनोरंजन झा। आज का बुलेटिन क्या है? पंजाबी, हैदराबादी, सिंधी, क्या है? हम तो अमित जी का एक प्यारा सा नगमा सुनाएंगे आपको, और यूं तो हम भी किसी से कम नहीं है, मगर मुंशीफान आपके आगे बच्चे हूँ। क्या बात है, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो बच्चन साहब का कोई गाना सुना रहे हैं आप? यस सर। अच्छा, तो आपने हमको डांटा क्यों? आपने अंदाज आपको से नहीं अबून पहले बोलता है कि अबून अमिताभ बच्चन साहब का गाना गा लिया है। अरे यार डरा मत यार, तो सीधा सा अच्छा सा प्यारा सा गाना गा बाबू। नहीं सर, डरा नहीं रहा था, एक्चुअली मैं अपने अंदर थोड़ा अमित जी का फील ला रहा था। श्रवण जी डर गए बेचारे, वो बोले क्या हो रहा है। तो चलिए चलिए माफी चाहता हूं, आगाज कीजिए। ये बच्चन साहब को डेडिकेट करने वाले हैं आप? ये मैं
आप दोनों मुंसिफान को डेडिकेट करता हूँ। अच्छा चलिए थैंक यू वेरी मच। कि मेरा क्या होगा जनाब यार। हाँ मेरा क्या होगा। गुड गुड ठीक है ठीक। जजेस इजाजत चाहिए क्या शुरू कर सकते हैं? इरशाद शुरू कीजिए। शुक्रिया जनाब। बस गाते आइए आप। आपके माथे से टपके जो पसीना भी कभी आसमां हिलने लगे और कांप उठे जमीन। आपका तो ये पसीना खून से भी जीना मरना बेमानी।
अपना तो खून पानी जीना मरना बेमानी वक्त की अदा है अपनी देखी वाली आपका क्या होगा जनाबे आली आपका क्या होगा जनाबे आली आपका क्या होगा। वाकई में मनोरंजन आपने तो समा बांध दिया, क्यों जजेस? अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, आपका क्या होगा जनाबे आली, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफान। तो नंबर्स ले लें, नंबर्स जजेस। बहनूर बहुत बहुत शुक्रिया जजेस आपका, शुक्रिया मनोरंजन। गुलुकारों के नगमे के सफर में तो वक्त का पता चलता ही नहीं है, लेकिन हमें आपसे अलविदा लेनी होगी, तो मैं आपकी मुस्कान आपसे अलविदा लेती हूँ इस यकीन के साथ कि अगली बस के लिए आप सब हमारा इंतजार करेंगे और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे इसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए आदाब, शब खैर, अल्लाह हाफिज। जहाँ कोई नहीं दोयम, अव्वल है सभी हम, अव्वल है सभी हम। क्यों? क्योंकि अव्वल गुलुकार है, अव्वल गुलुकार है, अव्वल गुलुकार। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। आ गया शादी लाइफ, एक नया रेवोल्यूशन। एक घंटे में 10 मुलाकातें, अब शादी.com पर होंगी।